वेलकम। अपनी लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हेडिंग्स काम करती है, और हमने थोड़ा सा पैराग्राफ्स के बारे में भी जाना था। इस वीडियो में हम आज फिर से देखेंगे कि कैसे जो है पैराग्राफ्स जो है टेक्स्ट पे हम पहले काम करेंगे। टेक्स्ट की जो डिफरेंट कुछ चीज़ें हैं वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक बेसिक एचटीएमएल का कोड यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो ये बेसिक वैसे ही जैसे हमारा स्टार्ट होता है, डॉक टाइप HTML, फिर HTML से और हेड हेड में हमने एक छोटा सा टाइटल लिखा है, और उसके बाद हमारी बॉडी सेक्शन यहाँ स्टार्ट होती है। अभी बॉडी में कुछ नहीं है, और यहाँ से जो है डिस्प्ले आप देख रहे हो, दिस साइड जो है डिस्प्ले, अब तो लेफ्ट साइड डिस्प्ले मेरी वेब पेज मैंने ओपन किया हुआ है। तो लास्ट में हमने देखा था जो पैराग्राफ टैग है, हमने पैराग्राफ टैग पर थोड़ा सा काम किया था। सपोज हम लिखेंगे कुछ पैराग्राफ को हम फिर क्लोज करते हैं, इसको सेव करके अगर हम यहाँ पे इसको एक बारी रिफ्रेश कर दें तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ गया है, दिस इज टमी टेक्स्ट, ठीक। तो ये डिस्प्ले हो गया है यहाँ पे। लेकिन अगर आप लास्ट वाले वीडियो में हमने एक चीज़ देखी थी जो कि हम यहाँ पे भी फिर से देखेंगे। सपोज मैं लिख रहा हूँ दिस इज, फिर इसको नीचे वाली लाइन में लाता हूँ, फिर टेक्स्ट को और नीचे वाली लाइन में लाता हूँ, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, और अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई चेंज नज़र नहीं आ रही है। हालांकि मैंने जो लिखा था कोड, मैंने दिस इज़ को एक लाइन में लिखा था, डमी को अलग लाइन में लिखा, और टेक्स्ट को अलग लाइन में लिखा था, लेकिन पैराग्राफ जो है या बेस एचटीएमएल जो है वो लाइन ब्रेक्स जो हम यहाँ बोलते हैं, लाइन को हमने ब्रेक किया है। या अगर मैं यहाँ पे सपोज मल्टीपल स्पेसेस ऐड करूँ, एड मल्टीपल, उसको सेव करते हैं, आफ्टर सेविंग इट अगर हम पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आता है, ना मल्टीपल स्पेसेस की ना लाइन ब्रेक्स की। तो ये एक जनरल है एचटीएमएल में कि वो मल्टीपल स्पेसेस को नहीं लेता है, उनको इग्नोर करता है, या लाइन ब्रेक्स हो तो उनको इग्नोर करता है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमने जो अभी लिखा था कि हम चाहते हैं कि ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है ये बिल्कुल वैसा ही आए जैसे हमने पेज पे लिखा है, जैसे हमने यहाँ पे एचटीएमएल के फाइल पे लिखा है, तो हमारे पास एक टैग है प्री टैग, ठीक है। तो जब मैंने इसको प्री लिखा, ठीक है, जैसे टेक्स्ट लिखा, उसके बाद इसको क्लोज किया, तो मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखो जो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था वैसे बिल्कुल यहाँ पे है दिस इज, उसके बाद एक लाइन ब्रेक है, उसके बाद ये स्पेस भी दे रहा है, ये स्पेस भी दे रहा है, एंड उसके बाद फिर से स्पेस दे रहा है, लाइन ब्रेक के बाद फिर टेक्स्ट लिख रहा है। तो जैसे हम टेक्स्ट लिखेंगे बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो ये जो हमारे पास टैग है पी आर ई वाला टैग, तो ये एक ऐसा टैग है जो हमें काम आता है, जो हमारे इससे हमें क्या होता है कि इससे हम एक जो भी हमें टेक्स्ट लिखना हो, अगर हम चाहते हैं जैसे हम लिख रहे हैं तो वैसा ही हो। तो जैसे हमारे पास होता है कभी वो पॉइम सी होती है, वो लाइंस में होती है, मल्टीपल लाइंस में उनका एक रिदम होता है, तो हम चाहते हैं एक लाइन एक में आ जाए। एक तो एक और तरीका भी है ऑब्वियसली कि अगर मैं इसको यहाँ पे पैराग्राफ टैग ही यूज़ करता तो, लेकिन यहाँ पे मैं इसको फिर ब्रेक कर देता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, मैं यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे मैं ब्रेक कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेक तो आ गई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि अगर स्पेसिंग, ये जैसे मल्टीपल स्पेस में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इसका कोई फ़र्क नहीं आता है, ठीक है। तो मल्टीपल स्पेस करने स्पेस देने के लिए या तो मुझे यहाँ पे यूज़ करना होगा वी हैव एन टैग एंड ऑफ एन एस पी फॉर स्पेस, तो स्पेस के लिए मुझे वो यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मुझे सपोज 100 स्पेस देनी है, यहाँ पे 20 स्पेस देनी है, तो मुझे वो 20 बार वो टैग लिखना है, यहाँ पे 100 बार उस टैग लिखना है, लाइकवाइज। तो बेटर ऑप्शन है कि मैं इसको प्री टैग ही यूज़ करूँ, ठीक है। तो जितनी मैं स्पेस दूंगा, जैसे भी मैं कुछ लिखूंगा, तो वो वैसे का वैसा ही यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो एक और हमारे पास इसके बगैर हमारे पास एक टैग है, सपोज आई हैव अ पैराग्राफ टैग, आई एम लिखिंग हेयर इज सम
टैक्स, ठीक है। तो ये पैराग्राफ टैग एक हमने लिखा है, हम उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया ये पैराग्राफ टैग। सपोज मैं जो अदर है, अदर को मुझे थोड़ा सा एम्फसाइज करना है, बड़ा दिखाना है, तो आई हैव अ टैग कॉल्ड एज बी बोल्ड, ठीक है। तो मैं वो बोल्ड टैग यूज़ कर सकता हूँ, बी टैग। देखो ये जो अदर है या बोल्ड हो गया है, थोड़ा सा ये अलग दिख रहा है अब, ठीक है। तो एक्चुअली हम अपने इस कोर्स के नेक्स्ट सेक्शन में हम एक्चुअली एडवांस पोर्शन में हम सीएसएस करने वाले हैं, तो सीएसएस में एक्चुअली हम फिर भी बोल्ड ये वाली टैग्स यूज़ नहीं करेंगे, ओब्वियसली हम से स्टाइल्स यूज़ करेंगे, स्टाइल शीट्स यूज़ करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो हमारे पास टैब्स है, हमारे पास ये कुछ टैग है अवेलेबल, तो ये जो टैग्स अवेलेबल है हम इनको फिलहाल समझने के लिए फिलहाल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास एक पैराग्राफ टैग है, तो पैराग्राफ टैग क्या होता है कि एक पैराग्राफ टेक्स्ट लिखने के काम आता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने देखा HTML जो है मल्टीपल स्पेसेस और लाइन ब्रेक्स को नहीं समझता है, तो लाइन ब्रेक्स यानी हम या हमें करानी पड़ती है यूजिंग टैग्स, यूजिंग BR ब्रेक टैग, या अगर हमें एक जैसे हम लिखना चाहते हैं वैसा ही आ जाए, जैसे हम कोड इंटर कर रहे हैं तो वैसा ही आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास टैग है, तो वो बिल्कुल वैसा ही हमें दिखाता है, ठीक है। तो ये तो था बेसिक्स अबाउट सम ऑफ द टेक्स्ट एंड सम ऑफ द टेक्स्ट टैग्स।